हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अचार की रेसिपी। जी, ये है आंवले का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्दी भी होता है। और सर्दियों का मौसम है तो आंवला बहुत इजीली मार्केट में हमें मिल जाता है, तो इस रेसिपी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलते हैं किचन में, दिखाएंगे इस आंवले के अचार के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत है। आंवले का अचार बनाने के लिए हमने 1 किलो आंवले लिए हैं और 50 ग्राम हरी मिर्च, और इन मिर्चों को हमने सर्कल में थोड़े से बड़े साइज में कट कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा, मेथी दाना, सौंफ, राई, हल्दी और हींग। और अचार बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए सरसों का तेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंवले का अचार बनाना। आंवले का अचार बनाने के लिए तो हम सबसे पहले आंवले को थोड़ा सा बॉइल करेंगे। तो ये जो हमने आंवले लिए हैं, बॉइल करने के लिए पैन में डाल के और इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से डूब जाए। और इसे गैस पर रखते हैं, गैस के फ्लेम ऑन करके और इसे हम गैस पे रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से बॉइल हो जाए। बॉइल हमें तब तक करना है जब तक ये आंवले खुद अपने आप पकने के बाद फटने नहीं लगते हैं। 15 मिनट का टाइम इसमें सारा लगता है पकने के लिए। और आंवला जो है 15 मिनट में हमें ज्यादा नहीं पकाना होता है, सिर्फ इतना कि ये आंवला अपने आप खुद से खुलने लगे, सेपरेट हो जाए इस तरीके से। तो ये यानी कि हमारे आंवले तैयार हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और आंवले को पानी से अलग कर लेते हैं। आंवले को पानी से अलग कर लिया है और अलग करने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए फैन के नीचे रख दिया था, जिससे कि इसमें जो पानी का लिक्विड मॉइस्चर था वो सारा ही खत्म हो जाए। तो इन आंवलों को हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें आप इस तरह इजीली खुल जाएंगे। ये थोड़ा सा पकने के बाद बहुत ही आराम से टूटने लगते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सारे पार्टों को आंवले को अलग कर लेंगे अचार के लिए। चलिए, तो गैस की फ्लेम ऑन करके करते हैं मसाले की तैयारी। कढ़ाई हमने रखी है और मसाले के लिए जो हमारे सूखे मसाले हैं वो हमें थोड़े से फ्राई करने हैं, जैसे कि सौंफ, ये 2 चम्मच, बड़ी चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा लेंगे। दो चम्मच राई, क्योंकि आंवले ऑलरेडी बहुत खट्टे होते हैं तो हमें ज्यादा राई की जरूरत नहीं है। इन मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही राई की ऐसी आवाज आने लगी, यानी कि मसाले हो गए, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और इसे मिक्सर के जार में निकाल के और दरदरा पीस लेते हैं। तो ये हमने उस मसाले को दरदरा पीसा है, ज्यादा बारीक नहीं पीसना है अचार के लिए। और कढ़ाई गैस पे एक बार हमने फिर से रख दी है, गैस थोड़ी तेज कर लेंगे और इसमें हमें थोड़ा सा तेल गर्म करना है और फिर उसे ठंडा करेंगे अचार के लिए, क्योंकि अचार में जो हम तेल यूज करते हैं थोड़ा गर्म करके फिर ठंडा करने के बाद ही यूज करते हैं। और ये सरसों का तेल है और ये मैं 2 से 3-4 चम्मच के करीब मैंने ये तेल लिया है इसमें, और इसे अभी थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हम तेल थोड़ा सा ठंडा चाहते हैं, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए, तेल गर्म होके थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं, जो ये हमने मसाले पीसे हैं। हींग, हल्दी, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, वैसे हमने हरी मिर्च का यूज किया है तो आप मिर्च पाउडर थोड़ा कम ही यूज कीजिए। और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, पहले हम इन्हें मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं नमक भी ऐड कर देती हूं, 1 बड़ी चम्मच।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और इसमें ऐड करेंगे आंवला। जिन आंवले को हमने थोड़े से इस तरीके से सारे अलग अलग कर लिए हैं, उबलने के बाद बहुत ही आराम से बहुत ही इजीली अलग अलग हो जाते हैं, और इसे पूरे मसाले को इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये आंवले का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसमें मिर्च इसलिए डाली जाती है जिससे कि आंवले का खट्टापन जो है वो थोड़ा सा कम हो सके और इसमें बहुत ही एक अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ सके। तो इसलिए आप जब भी बनाएं इसे तो हरी मिर्च डालने के साथ ही बनाएं, हरी मिर्च के साथ ही आंवले के अचार को, और इसे आप लंबे टाइम तक स्टोर मत कीजिए, इसे आप थोड़े ही टाइम के लिए बनाइए, थोड़ा थोड़ा बनाइए और खाइए फिर दोबारा, क्योंकि ज्यादा गलने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बॉटल को अच्छे से सुखाने के बाद ये अचार इसके अंदर, लीजिए दोस्तों। तो ये तैयार है आंवले का बहुत ही टेस्टी सा अचार, और इसे बनने में बहुत ही कम समय लगता है, और ये सर्व भी आप इसे नेक्स्ट डे कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और इसे आप कम क्वांटिटी में बनाइए जिससे कि आप जल्दी बना के जल्दी इसे खत्म कर सकें, क्योंकि जब ये ज्यादा गल जाता है तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।